Do you guys know task 1 is as important as your task 2? Guys, task 1 for academic students apa already discuss kar chuke hain, and in this video we are going to discuss task 1 for the GT students, for the general training students. Hello everyone, this is Parneet. I hope you all are doing good. I know tonu sare nu pata hai ki task 1 de vich for the GT students separate cheez hondi hai, that is letters, letter writing sanu hondi hai, but how to write letters, what are the types of letters and what is the exact format of letter. So guys, this video is particularly for the beginners jinhane hune hune IELTS karna start kiya hai, jinhane socha hai ki main IELTS liye prepare karna, and if you are a GT student. But if you are not a beginner, करते करते भी साढ़े मन के कई बार बहुत डाउट्स आते हैं, लाइक मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम देता, सेकंड टाइम देता, मेरा डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आया राइटिंग दे, फिर भी साढ़े मन के डायलिमा होंगे दैट वेदर आई एम डूइंग द राइट प्रिपरेशन और नॉट. सो डोंट वरी गाइज, टूडे आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज क्वेरीज रिगार्डिंग लैटर्स इन जी टी फॉर द टास्क 1. फर्स्ट ऑफ ऑल, लैटर राइटिंग ऑन दर जी टी देच दैट वी ऑल आर माइट अवेयर है ना. Now, what about the word limit? Word limit उत्थे लिखिया ही हुंदा instructions दे विच दिता हुंदा, like you should write at least 150 words. Means 150 words तक घट्टो घट लिख के ही आने हैं. जे 150 words तो घट लिख के आओगे, यू विल डेफिनेटली गेट अ पेनल्टी, डिजायर्ड बैंड स्कोर नहीं आएगा, बैंड स्कोर डिडक्ट हो जाएगा. सो माई रिकमेंडेशन फॉर यू गाइज, एज जी टी स्टूडेंट्स की होंगे ने ऑलरेडी प्रोफेसनल्स होंगे ने, जी टी स्टूडेंट्स ज्यादातर किस चीज़ के लिए कंपीट करते हैं, फॉर द इमीग्रेसन परपज है ना. तो तुम ऑलरेडी प्रोफेसनल हो तो तुम इनिक वर्ड लिमिट लिख के आ सकते हो, लाइक यू शुड राइट 180 to 200 वर्ड्स. एंड 200 वर्ड्स मैक्सीम तक अपनी एक लैटर बहुत वधिया लिखी जाती है. इस तो ज़्यादा लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, नो वरीज, बट साढ़े को टाइम नहीं है, वी हैव टाइम कॉन्सट्रेंट्स, बिकॉज असं उस तो बाद टास्क 2 नू भी परफॉर्म करना है, तो जिदे उपर साढ़ा बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड टाइम साढ़ा उसते लगन वाला ही है ना. सो गाइज, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि तुम स्टार्टिंग तो ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन, या फिर मैं कहाँ सेकेंड थर्ड डे तो ही, जो तुम्हें कॉन्सैप्ट क्लीयर आ गया उस तो ही एक माइंड सैट बना लो कि मैं इन्नी वर्ड लिमिट लिख के आनी है, ठीक है. एंड गाइज, जो भी तुम लिखते हो, लिखना स्टार्ट कर दो, कभी भी सिंपल नोटबुक से ना लिखो. डैट्स अ इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू गाइज, हमेशा की करो, जिहड़ियां ऑफिशियल शीट्स आदि ने ना, लाइक जिस तरह की तुम्हें एग्जाम के मिलनगियां, उस तरह दियाँ ही तुम शीट्स के उपर लिखो. अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट तो तैयारी कर रहे हो तो उन्होंने तो तुम पूछो कि सानू शीट्स प्रोवाइड करो, वैसे ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते ही करते हैं, बट अगर नहीं कर रहे तो IDP की ऑफिशियल साइट्स से तुम जाओगे तो उसे शीट्स का सैंपल प्रोवाइड होंगे, उसमें तुम फोटो कॉपी करवा सकते हो एंड उससे ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. उस तो की होएगा, जो तुम प्रिपरेशन करोगे ना तो वर्ड लिमिट उस टाइम तुम काउंट कर सकते हो एंड तुम्हें आइडिया हो जाए, लाइक अगर मैं एनी क लेंथ से लिख के आऊँगा तो मेरी एनी वर्ड लिमिट हो जाएगी. सो तुहाडा पेपर के फाइनल एग्जाम के प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं होएगा है ना, तो वर्ड लिमिट काउंट नहीं करनी पड़ेगी, तो ऑलरेडी एक आइडिया होएगा. फाइन, नाउ वर्ड लिमिट ऐसी लिख ली ना, व्हाट अबाउट द टाइम? एज वी नो टोटल 60 मिनट्स होंगे ने, जिदे विच असी 20-40 का टारगेट कर लेने है ना, 40 मिनट्स टास्क 2 नू दिने एंड 20 असी रख लेने फॉर द टास्क 1. बट बिलीव मी गाइज, लैटर राइटिंग दे विच 20 मिनट्स डिवोट करने की कोई जरूरत नहीं है, लैटर ईजीली पहला ही असी कंप्लीट कर सकते हैं इन 15 to 17 मिनट्स. तो 15 मिनट्स के लैटर को कंप्लीट करना ही करना है बाई एनी हाउ. उस तो बाद 2 मिनट्स किस दे लिए रखने ने, फॉर प्रूफ रीडिंग. एंड प्रूफ रीडिंग मैं हमेशा कहनी है दैट्स अ मस्ट काइंड ऑफ थिंग. अगर तुम लैटर लिख के प्रूफ रीडिंग नहीं की, या फिर ऐसे लिख के प्रूफ रीडिंग नहीं की, तो वह सारे का सारा 1 आवर थोड़ा वेस्ट ही समझो, बिकॉज कई बार यह जी गलतियां हो जाए ने है ना, टाइपोलॉजिकल एरर्स हो जाए ने, या फिर जल्दी जल्दी असं कोई होर मिसटेक कर देने. कई बार सानू बोल के लिखन की आदत होंगी, कई वर्ड साढ़े मूँह च रह जाते हैं, असं लिख नहीं पाते है ना, तो उस तरह दिसटेक्स रैक्टीफाई करने के लिए प्रूफ रीडिंग इज मस्ट. ठीक है, कट लिख लो बट प्रूफ रीडिंग जरूर करके आओ. फाइन, नाउ वर्ड लिमिट हो गई, टाइम हो गया, नाउ व्हाट अबाउट लैटर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैटर्स. लैटर्स गाइस 3 तरह दी होंगे ने, फॉर्मल लैटर, सेमी फॉर्मल लैटर एंड इनफॉर्मल लैटर. नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना टू नो द एग्जैक्ट टाइप ऑफ लैटर, बिकॉज अगर तुम्हें टाइप क्लीयर नहीं होएगी तो तुम सैल्यूटेशन के स्टार्टिंग ते एंड जेड़ा लैटर दा करोगे, या फिर मैं कहा बीपीस दे विच भी जो चीज़ां तुसीं लिख के आओगे वो सारे का सारा गलत लिख दोगे, तुहाडा टास्क रिस्पोंस अचीव नहीं होएगा. टास्क रिस्पोंस मार्किंग क्राइटेरिया दे विच फर्स्ट पॉइंट हुंदा. अगर तुहानू मार्किंग क्राइटेरिया नहीं क्लीयर है, उसकी भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, एंड बिलीव मी गाइज, आई स्टार्ट करन तो पहला एक बार
प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार मार्किंग क्राइटेरिया वाली वीडियो जरूर वॉच करो। वो वॉच करके तुहानू बहुत ज्यादा तुहाडे डाउट्स क्लीयर हो जाएंगे, तुहानू पता चलेगा कि किस चीज़ के लिए तुसीं प्रिपेयर करना, कि ये चीज़ तुसीं अदरवाइज की हुंदा आपां जिवें कोई दस्से जांदा आपां प्रिपेयर करते रहने बट सानू ये नहीं पता हुंदा कि ऑन वट बेसिस वी आर गोइंग टू जज इन द फाइनल एग्जाम, वो डाउट्स तुहाडे उत्थे क्लीयर हो जाएंगे। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डोंट फॉरगेट टू चेक, ओके। एंड गाइज इस दे नाल नाल एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है, जे तुहानू वीडियोज़ हैल्पफुल एंड यूजफुल लगदी है, मेरे पढ़ाउण दा तरीका तुहानू वधिया लगदा, तुहानू समझ आउंदा, प्लीज़ सबसक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ओके। नाउ फर्स्ट टाइप इज द फॉर्मल। देखो फॉर्मल लैटर वो वाली लैटर हुंदी है जिहड़ी उस परसन नू लिखी जांदी है जिन्हों असी कदे भी मिले नहीं, बट वो परसन हायर डेजिग्नेशन ते है, मीनस एक उच्चे रैंक ते है, ठीक है। ये लैटर उन्हों लिखी जांदी है जिहड़ा अननोन परसन है एंड असी उन्हों कदे भी नहीं मिले, वी हैव नेवर मैट टू दैट परसन, बट वो परसन हायर डेजिग्नेशन ते हुंदा है, ठीक है। प्रोफेशनल्स नू लिखी जांदी है ये वाली, ठीक है, लैटर हुंदी है जिहड़ी फॉर्मल लैटर। सैकेंड इज सैमी फॉर्मल लैटर। सैमी फॉर्मल लैटर उस परसन नू तां लिखी जांदी है जिहड़ा हायर डेजिग्नेशन ते हुंदा है, हाउ एवर वो परसन साडे लई ऑलरेडी नोन हुंदा है, ठीक है। नोन परसन नू लिखी जांदी है, ऑलरेडी असीं मैट कर चुके हां या सानू नोन हुंदा है, लाइक स्कूल प्रिंसीपल, अगर मैं कहां स्कूल प्रिंसीपल नू असीं फॉर्मल लैटर नहीं लिखांगे, असीं सैमी फॉर्मल लैटर लिखांगे क्योंकि असीं उसनू जानदे हां, ठीक है। इस दे नाल नाल अगर मैं कहां किसी न्यूज़पेपर दे एडिटर नू लैटर लिखना है, उसनू असीं कदे भी नहीं मिले, वो हायर डेजिग्नेशन ते भी है, तां उसनू फॉर्मल लैटर लिखांगे, नॉट सेमी फॉर्मल, ठीक है। सेमी फॉर्मल वाला बंदा नोन हुंदा है, ऑलरेडी मैट हुंदा है, हायर डेजिग्नेशन ते हुंदा है। एंड इफ यू आर राइटिंग अ लैटर टू योर कलीग्स, ए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कलीग्स नू सानू की हुंदा है, कई बार सानू ऐ हुंदा कि साडे नाल ही काम करदे ने, साडी बहुत वधिया जान पछाण है, असीं फ्रेंक आ, तां असीं उहनां नू इनफॉर्मल कैटेगरी दे विच काउंट कर लैंदे आ, बट नो, कलीग्स हमेशा सेमी फॉर्मल दे विच आउंदे ने, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप इज द इनफॉर्मल लैटर। इनफॉर्मल लैटर तो सानू पता ही है किसनू लिखनी है, वो परसन जिहड़ा साडे लई वैल नोन है, बहुत ज्यादा फ्रेंक है, लाइक साडे फ्रेंड्स, फैमिली मैंबरस, कजन्स, रिलेटिवस, नेबरस, वो सारे बंदे जिन्हां दे नाल असी फ्रेंक हाँ, ठीक है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैटर, तुहानू पहलां तो ही क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉर्मल, सैमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल किसनू लिखनी है, वो परसन जिहड़ा हायर डेजिग्नेशन ते है बट असी उसनू कदे भी नहीं मिले, प्रोफेशनल है। नंबर टू इज सैमी फॉर्मल लैटर, उसनू लिखी जाती है जिन्हों असी ऑलरेडी मैट कर चुके हैं, ऑलरेडी नोन है, बट नाल नाल वो हायर डेजिग्नेशन ते है। एंड सैकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कलीग्स नू भी सैमी फॉर्मल कैटेगरी दे विच काउंट किया जाता है। थर्ड इज इनफॉर्मल लैटर। इनफॉर्मल लैटर उन्होंने लिखी जाती है जिन्हों के नाल असी बहुत ज़्यादा फ्रेंक हाँ, ठीक है, मीनस वैल नोन आ, लाइक साडे फैमिली मैंबरस, कजन, रिलेटिवस, नेबर, वो वाले सारे परसन कि आते हैं इनफॉर्मल लैटर के आते हैं। आफ्टर क्लियरिंग द डिफरेंस कि फॉर्मल लैटर लिख रहे हैं, सैमी फॉर्मल लिख रहे हैं और इनफॉर्मल लिख रहे हैं, नाउ हाउ टू राइट दीज लैटर्स। फर्स्ट इज फॉर्मल लैटर। देखो फॉर्मल लैटर ते सैमी फॉर्मल नू थोड़ा इकट्ठा डिस्कस करांगे, बिकॉज यही दो टाइप्स ने जिन्हां दे विच असीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाने हैं ते मिसटेक्स करके आने हैं, ना ब्लंडर कर देने हैं, आई माइट से। इनफॉर्मल लैटर का सानू क्लीयर हो जाता है, टाइटल तो ही क्लीयर हो जाता है कि इनफॉर्मल लैटर है, बट गाइज तुसीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाने हो फॉर्मल एंड सैमी फॉर्मल दे विच। जदों भी फॉर्मल लैटर आएगी तो तुसीं स्टार्टिंग करोगे डियर सर और डियर मैडम, और गाइज अगर तुसीं बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली उत्थे बैठोगे ना तो कई बार उन्होंने क्वेश्चन बुकलेट से ही स्टार्टिंग सैल्यूटेशन वो करके दे देंगे ने, लाइक यू शुड राइट एज या स्टार्ट राइटिंग एज डियर सर और मैडम, एज इट इज़ लिख के आ जाओ, जो भी उन्होंने लिखे डियर सर लिखे, डियर मैडम लिखे, या डियर सर और मैडम लिखे, उस तरह ही लिख के आ जाओ, ठीक है। सो डियर सर लिखने तो बाद असी उस तो बाद की करांगे, ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं, इस तो बिना होर कुछ नहीं लिखना, लाइक आई होप यू आर गुड, आई होप यू आर हेल एंड हार्टी, इस तरह का कुछ भी वर्डिंग्स नहीं लिखनी, कोई इडियोमेटिक टोन नहीं यूज करनी, तो सिंपल तुसी की लिख सकते हो, ग्रीटिंग्स लिख सकते हैं, बिकॉज द पर्सन इज अ प्रोफेशनल पर्सन की है, हाई डेजिग्नेशन पे है, उन्होंने आप ये नहीं कहेंगे ना आई होप यू आर गुड, आई हाउ आर यू क्वेश्चन, इस तरह के तुसी सिली मिसटेक्स नहीं करोगे। सो ग्रीटिंग्स लिखने तो बाद नाल दी नाल तुसी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगी 3 to 4 लाइन्स के विच। नाउ गाइज जिस तरह असी ऐसे राइटिंग करते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, दैन बी पीस, दैन कंक्लूजन लिखते हैं, सेम वे ही असी एक लैटर नू परफॉर्म करके आने हैं। सब तो पहला असी इंट्रो देने हैं, इंट्रो दे विच असी दसदे हैं, इंट्रो का मेन एम की हुंदा है, इंट्रोडक्शन असी इसलिए ही लिखते हैं कि असी उसनू अपना परपज और
एम ऑफ राइटिंग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि असी ए पर्टिकुलर लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन शुड बी ऑफ 3 to 4 लाइन्स जिदे विच तुसी पर्पस या एम इंट्रोड्यूस करोगे। तुसी अपना नेम नहीं दसना, अपने बारे कुछ नहीं दसना या फिर कोई इलैबोरेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ उस दे विच तुसी हेडिंग पढ़ के एक एम दसना कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। कोई लेटर तुसी कोई चीज इनक्वायर करने के लिए लिख रहे हो, सो आई एम पिनिंग डाउन दिस एपिसल, आई एम राइटिंग दिस लेटर, है ना, टू इनक्वायर अबाउट डैश डैश डैश, बस उस दे बारे ही लिखना है। या फिर तुसी किसी भी चीज दे होर किसी चीज बारे लिख रहे हो या किसी कॉन्सर्ट बारे तुसी इनक्वायर करना चाह रहे हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लैनी है, सो सिर्फ और सिर्फ तुसी पर्पस और एम ऑफ लेटर उत्थे लिख के आना इन द इंट्रोडक्शन, ओके। उस तो बाद बीपीजी लिखेंगे, BP1 तुसी बनाओगे, BP2 2 BPs आर मोर देन सफिशियंट, 3 BPs कदे भी ना बना के आओ, ठीक है। उन्हें नहीं हो सकता तो 3 पॉइंट्स पूछे 4 पॉइंट्स पूछे तो अकॉर्डिंगली उन्होंने तुसी बैलेंस कर लो कि मैं 2 पॉइंट्स BP1 दे विच दूंगा, 2 पॉइंट्स BP2 दे विच दूंगा, 3 BP दी जो थर्ड BP होंगे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो बना के भी ना टाइम वेस्ट होएगा। एंड दे विच क्लोजिंग लाइन, जिवें ऐसे दे विच कंक्लूजन दिंदे आ, इस दे विच क्लोजिंग लाइन इज मैंडेटरी, उह मैं दसदी आ किस तरह लिख के आओगे, फाइन। सो इंट्रोडक्शन हो गई, उस तो बाद असी बीपी स्टार्ट करेंगे। BP1 के विच 6 to 7 लाइन्स तुसी लिख सकते हो। हुण देखो तुहानू बुलेट पॉइंट्स दिते हुंदे ने एज लाइक स्पीकिंग, है ना, अगर मैं कहाँ इस तरह लैटर्स दे विच भी सानू बुलेट पॉइंट्स दिते हुंदे ने 1st, 2nd, 3rd या 4 करके कि ये चीज़ां तुसी एक्सप्लेन करनी है। एंड गाइस मेक श्योर कि तुसी वो सारे दे सारे बुलेट पॉइंट्स नू 1 by 1 एक्सप्लेन करके आओ। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने एक सीक्वेंस दे विच एक्सप्लेन करके आओ, बट गाइस मेक श्योर कि वो सारे दे सारे एक्सप्लेन करके जरूर आओ। अगर एक भी मिस हो गया टास्क रिस्पॉन्स दे बैंड नहीं आउणगे, सो पहला तो ही माइंडसैट बना लो, कॉन्शियसली बैठो, 1-on-1 परफॉर्म करो, फाइन। सो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट ने जिहड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ने, मेन पॉइंट्स ने, उन्होंने तुसी एक्सप्लेन करो BP1 दे विच। हमेशा BP1 दे विच वो चीज़ एक्सप्लेन करो जिहदे उपर लैटर बेस्ड है या फिर मेन चीज़ है, ठीक है, उसनों एक्सप्लेन करो। BP2 दे विच तुसी फर्स्ट सेकेंड इत्थे करता, थर्ड पॉइंट रह गया उसनों एक्सप्लेन कर दो, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड ते फोर्थ भी रह गया उसनों BP2 दे विच एक्सप्लेन कर दो। मीनस फर्स्ट सेकेंड पॉइंट मेन पॉइंट जिहड़े ने BP1 दे विच एक्सप्लेन हो चुके, जिहड़ी बाकी चीज़ रह गई उहनूं BP2 दे लई रख लो। BP2 दे विच यू कुड राइट ईदर 5 लाइन्स, 6 लाइन्स या 7 लाइन्स भी लिख सकते हो, इस तो ज़्यादा ना लिख के आओ, ठीक है। वो पॉइंट्स नू प्रॉपर लिख के इलैबोरेट करके आओ, BP1 दे विच भी इलैबोरेट करो, BP2 दे विच भी इलैबोरेट करो। अगर BP2 दे विच तुहाडे कोल सिर्फ एक पॉइंट है लिखण दे लई, तां तुहानू लगदा है कि साडी वर्ड लिमिट मीनस वर्ड लेंथ BP1 वड्डा हो गया, BP2 छोटा हो रहा है, ठीक है, तां BP2 नू इलैबोरेट किस तरह कर सकदे हो, उहदे विच तुसी प्रोवाइड कर सकदे हो सुजेशंस, or you could ask any question, ठीक है, because it is a formal letter. So if the letter is demanding कि तुसी कोई suggestion provide करो, तो जरूर suggestion provide करके हो, and if the letter is demanding कि तुसी उस तो कोई question पूछो, तो तुसी question भी पूछ सकते हो। punctuation marks का ध्यान रखना है, like greeting तो बाद exclamation लाया, तो question जो तो पूछ रहे हो उदो तुसी क्वेश्चन मार्क पीछे लगा के आओ, फाइन। एंड दे विच क्लोजिंग लाइन्स 2-3 लाइन्स लिख के आनी है, मीन्स उन्होंने क्लोज करो, लाइक इफ यू नीड फर्दर असिस्टेंस या फर्दर असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, इस तरह की वर्डिंग तुसी लिख के आ सकते हो। इट इज एंटीसिपेटेड डैट, इस तरह की वर्डिंग तुसी लिख के आ सकते हो, ठीक है। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर टू नोट फॉर यू GT स्टूडेंट्स इज क्लोजिंग लाइन्स नू हमेशा पैसिव स्टेटमेंट्स दे विच यूज करो। पैसिव दे विच जदों यूज करोगे, बिलीव मी गाइज, तुहाडी लैटर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बन जाएगी, एंड इट विल वर्क एज अ चेरी ऑन द केक फॉर यू गाइज, फाइन। एंड दे विच एंडिंग किवें करनी है बहुत जरूरी है, इनू तुसी एंड करके आओगे योर्स फेथफुली, कॉमा लगा दोगे, एंड एंड ते हमेशा अपना फुल नेम लिख के आओगे। ए नहीं कि ABCXYZ लिखता, और एज माई नेम, माई फुल नेम इज परनीत कौर, मैं कल्ला परनीत लिख के आ गई, है ना। फुल नेम किस तरह का होना चाहिए, जिहड़ा तुहाडे पासपोर्ट ते है ना, लाइक अगर तुसी अपना सरनेम लगाने हो पासपोर्ट ते तां लगा के आओ, अगर नहीं लगाने तां ना लगा के आओ, फाइन। सो फुल नेम योर्स फेथफुली, फुल नेम, ठीक है, फेथफुली स्पेलिंग्स का भी तुसी ध्यान रखना है, फाइन। सो ए एग्जैक्ट फॉर्मेट, एग्जैक्ट वे हाउ टू राइट अ फॉर्मल लैटर, आई होप इट इज क्लीयर। नाउ सैमी फॉर्मल लैटर, सैमी फॉर्मल लैटर नू स्टार्टिंग किवें करोगे, उसके विच तुसी स्टार्ट कर सकते हो मिस्टर, मिस और मिसिज लगा के। इसनों असी स्टार्ट किया सी डियर सर और मैडम दे नाल, फॉर्मल नू। सैमी फॉर्मल नू असी स्टार्ट कर सकते हैं डियर मिस्टर स्मिथ, डियर मिस लीना, है ना, जिस तरह भी डिमांड है लैटर की किसनों तुसी लिख रहे हो, या फिर सेम वे अगर उन्होंने प्रोवाइड किया कि इस तरह स्टार्ट करो, तो उस तरह सेम वे तुसी
ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੀ, ਲਾਈਕ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਹੇਲ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਡਲ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ। ਫਾਈਨ, ਦੈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੀਪੀ ਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਬੀਪੀ ਟੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਐਸ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਹਾਊਐਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਅਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਅਰਸ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਈਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਦੀਸ ਮੈਟਰ ਅ ਲੋਟ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, 6 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, 7 ਔਰ 7 ਪਲੱਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆਏ ਹੋ। ਫਾਈਨ, ਸੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਸ ਪਰ ਯੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਫਾਈਨ, ਨਾਓ ਦੇਅਰ ਆਰ ਫਿਊ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਈਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਇਡੀਓਮੈਟਿਕ ਟੋਨ ਔਰ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਇਡੀਅਮਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੇਲ ਐਂਡ ਹਾਰਟੀ, ਫਿਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਡਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਨੀਡ ਆਫ ਦ ਆਰ, ਯੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਐਟ ਐਨ 11th ਆਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਈਡੀਅਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਡੀਓਮੈਟਿਕ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨ ਯੋਰ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਸਲੈਂਗ, ਸਲੈਂਗਸ ਲਾਈਕ ਯਪ, ਯੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੈਂਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ, ਐਟਸੈਟਰਾ, ਈ ਟੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨ ਯੋਰ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ। ਯੈਸ ਗਾਈਸ, ਯੂ ਹਰਡ ਮੀ ਰਾਈਟ, ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਹੁਣ ਪੋਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਲੀਜ਼, ਯੂ ਕੁਡ ਰਾਈਟ ਕਾਈਂਡਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੁਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟ ਰੱਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ, ਫਰੈਂਡਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਵੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੀਅਰ ਸੈਮ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸੈਮ, ਡੀਅਰ ਰੀਨਾ, ਡੀਅਰ ਪਰਨੀਤ, ਹੈ ਨਾ, ਡੀਅਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ, ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ। ਦੈਨ ਕੋਮਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ, ਲਾਈਕ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਫਿਟ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਡਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਊਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਟ ਹੋਮ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਗਾਈਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਾਈਨ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਵੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ BP1 BP2 ਲਿਖਣਾ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਏਮ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ। BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ। BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੋਪ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ, ਹੋਪ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਯੂ ਸੂਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਨਰ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਐਨਜੋਏ ਦ ਡਿਨਰ, ਐਨਜੋਏ ਦ ਮੀਲ ਐਟ ਮਾਈ ਹੋਮ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਫਾਈਨ, ਲਾਈਕ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਟਸ ਪਲਾਨ ਐਨੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਲਾਈਕ ਯੂਅਰਸ ਫੇਥਫੁਲੀ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਅਰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸੈਮੀ ਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਅਰਸ ਟਰੂਲੀ ਔਰ ਯੂਅਰਸ ਲਵਿੰਗਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਨੇਮ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਰਾਈਟ ਪਰਨੀਤ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਯੂਲ ਰਾਈਟ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਯੂਲ ਰਾਈਟ ਆਜ਼ਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਨਾਓ, ਵਟ ਆਰ ਦ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਵਾਈਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀਅਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਈਡੀਓਮੈਟਿਕ ਟੋਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮਲ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਡੀਅਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀਅਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ
यू हैव टू मी एट एन 11th आवर या हैप्पीनेस वाले idioms है ना जो तुसी मिले तुसी बहुत हैप्पी सीगे आई वॉज ऑन द क्लाउड 9 एक्सप्रेस करके आओ एक्सप्रेसिव वे दे विच लिख के आओ एंगर एक्सप्रेस कर रहे हो हैप्पीनेस कर रहे हो या कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हो idioms तुसी यूज करके आ सकते हो सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन आई रिकमेंड हमेशा यूज करके हो लाइक मैं यूज किया यू आर है ना आई विल दे आर कुड वुड इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन जरूर यूज करके हो 2 to 3 होनिया ही होनिया चाहिए ने इन यूर इनफॉर्मल लैटर जी थोड़ू एक डिफरेंट बनाएगी थोड़ी लैटर न फ्रॉम द फॉर्मल एंड द सैमी फॉर्मल फाइन दैन एब्रीवेशन भी तुम यूज कर सकते हो लाइक ई टी सी पी एम ए एम है ना बैंक जिम्मे एच डी एफ सी इस तरह दूस कर सकते हो बट देयर शुड बी नो स्लैंग्स ये या ए भी प्रोहिबिटेड ने नहीं होने चाहिए नेक्स्ट इज बी फ्रैंक ए फ्रैंक टोन यूज कर सकते हो लाइक असं idioms यूज कर रहे हैं बट रूड नहीं होना चाहिए ये नहीं कि तुम लिखते लिखते एकदम रूड हो गए है ना उन्होंने गाला ही कढ़निया स्टार्ट करके इस तरह नहीं होना फ्रैंक तुम रहो राइटिंग बट रूड ना हो ठीक है नेक्स्ट इज हूँ लिखते लिखते BP1 अपना कंप्लीट कर लिया BP2 के कोई सुजेशन देना चाहते हो या तुम कुछ अपना एक्सप्रेस करना चाहते हो तुम स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग टू गेस वॉट ओ यस इस तरह की वर्डिंग्स इस तरह की idiomatic टोन्स तुम यूज कर सकते हो एंड मैं बार बार कह रही हूँ गाइज पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रख के आना है कॉमास का है ना ये चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दी है फाइन So I hope guys, what is the exact format of letter writing? GT students ki task 1 hai na? How to write letters? Kis tarah ne do's and don'ts kede kede ne? Oh sariya chizja tuhanu clear ho gaya. If you have any doubts, koi further doubts ne, do write me in the comment section. Thank you so much. Bye bye. Take care.